तो दोस्तों स्वागत है फिर से आपको एक नए ब्लॉग में। मैंने कुछ बोला था बट वॉइस ओवर करना ज्यादा उचित है क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो साउंड जो है कि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन कैमरे के साउंड आप जान रहे हैं ना बिल्कुल भी क्लियर नहीं आती है। और जब साउंड क्लियर नहीं आएगा तो आप लोग सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। मैंने ये जमीन यहाँ पे कोट रखा है और मेरे हाथों में टोकरी और इस टोकरी में हम कुछ लाने वाले हैं सामान। तो सबसे पहले गिट्टी वगैरह मैंने साफ कर लिया और मैं केले के पेड़ की तरफ आकर देख रहा हूँ कैसी थी। ये देखिए गिट्टी को मैंने जो डकार आ रही है तो जो गिट्टी को हमने जो बिखरा पड़ा गिट्टी था उसको हमने एक जगह कढ़ाई में कर दिया। ये हमारे बाउंड्री की इस पर है। अभी तक यहाँ पे कोई मकान नहीं बना है। हमारे जो फूल का टोकरी गिर गया और नीचे ये फूल जो है कि जमने लगा। ये देखिए ये पूरा घास सूख गया है। इस बाउंड्री में घास ही घास सूख गया है। अभी इस में बनना मकान बाकी है। हम लोग इधर आ जाते हैं और अपने काम की ओर चलते हैं। ये देखिए ये बास्केट मैंने ले लिया है और इस बास्केट में हम कुछ लाने वाले हैं तो वीडियो पे बने रहे। और ये हमने जमीन कोट रखा है और ये रहा हमारा कुदाल। तो वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे तब आपको पता चलेगा कि मैं अभी आगे करने वाला हूँ क्या, है ना। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा और एक हाथ से दरवाजा खोला लेकिन वो बास्केट कहाँ गया। ये सस्पेंस है मेरे हाथों में। दोस्तों अब हम आ गए हैं बाहर और ये रहा हमारा खेत खेत और हमारा 5 फीट का रास्ता। और ये मैं जाते हुए अभी बाउंड्री के पास मैंने आ गया और मैंने अपना कुदाल रख दिया और एक हाथ से मैंने कैमरे को पकड़े हुए है। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ क्या है क्या आप में से कोई बता सकता है? नहीं ना, तो वीडियो को देखते रहे बिना स्किप किए हुए। ये मैंने अपने कुदाल को इस बाउंड्री के ऊपर लगा दिया और लगाने के बाद मैं कुछ कर रहा था जो नहीं हो पाया। ये भी देखने के लिए वीडियो पे आपको बने रहना पड़ेगा। फिलहाल मैं जाता हूँ घर की तरफ। जो मेरे छोटे छोटे मुर्गियाँ हैं जैसे मैं निकलता हूँ बाहर ये भी मेरे पीछे पीछे आ जाती हैं। बहुत बदमाश है इन्हें क्योंकि इन्हें खाना चाहिए, दाना चाहिए, चारा चाहिए। क्योंकि मैं जब भी बाहर निकलता हूँ तो इन्हें लगता है कि मालिक आ गए और यही वो मालिक है जो हमारी पेट को भरेगा। हालांकि बाद में हमारा चिकन तंदूरी बना के खाया जाएगा ये मुर्गियाँ को नहीं पता। चलिए अब यहाँ से हम अपने टूल लेते हैं और टूल लेने के बाद हम लोग फिर से घर के बाहर निकल रहे हैं। और घर के बाहर निकलने के बाद हम क्या करने वाले हैं ये तो आपको वीडियो पे बने रहने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं घर से बाहर। मौसम साफ है, आकाश में बादल बिल्कुल भी छाए नहीं हुए हैं और जो सूर्य की रोशनी बिल्कुल क्लियर है। हमारी मुर्गियाँ भी घास चर रही है और ये देखिए एक दो तीन ये सोनाली और वो जो देसी वाइट वाली है वो देखिए खेत की ओर भाग गई मुझे देख के। खैर हम अपने कैमरा को लेते हुए फिर से इस बाउंड्री के पास आ गए जहाँ पे हमारा कुदाल रखा हुआ था। हमने एक चेयर को यहाँ पे रखा और हमारा बास्केट नीचे है ये देखिए। उसके बाद हम जो करने वाले ये हैं कि इस चेयर के मदद से हम लोग इस दीवार पे चढ़ेंगे। उससे पहले मैं सारे अरेंजमेंट कर लेता हूँ कि मैंने जैसे कुदाल रख दिया और कुदाल के बाद मैंने अपने जो बास्केट है ये दीवार के ऊपर रख दिया और हम लोग इस बाउंड्री के अंदर घुसने वाले हैं। और घुसने के बाद आपको पता चलेगा कि हम लोग आखिर यहाँ करने वाले क्या हैं। ये मैंने बास्केट को नीचे फेंक दिया तो ये मैं देखो कहाँ चढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ। देखो देखो फिर मैं उतर गया। अब मैं फिर से चढ़ा और इस बार तो मैं इस बाउंड्री के अंदर घुस के ही रहूँगा। ये देखो अभी भी अनकम्फर्टेबल हो रहा, नहीं चढ़ पा रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मुझे इस कैमरे को कहीं पे रखना होगा और मैंने बस एक जगह खोजा। मेरे कैमरा मेरा उल्टा हो गया और मैं ये क्या हो गया, रिकॉर्डिंग उल्टी होगी क्या, कैमरा ही सेट नहीं हो पा रहा था। तब हमने कैमरा को रख दिया उसी दीवार पे और अब हम ये कुदाल भी अपना रखा और अब हमें चढ़ गए दीवार के ऊपर। देखो कितना स्ट्रगल लाइफ में, दीवार के ऊपर चढ़ गए। अब ये मैंने कुदाल लिया और नीचे की जो चेयर थी जिस साइड से मैं चढ़ा उस चेयर को हम फंसाएंगे और चेयर ये देखो ऊपर आ गई। अब चेयर ऊपर आ गई, अब हम लोग इस चेयर को अंदर फेंकेंगे ताकि इस चेयर पे हम लोग चढ़कर इस बाउंड्री के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। क्योंकि इस बाउंड्री के तो किया गया लेकिन कोई दरवाजा नहीं बनाया गया है फिलहाल, इस वजह से इस तरह से हमें जाना पड़ता है। ये मैंने कैमरा उठा लिया और बोला भैया चल अब अंदर का भी सीन दिखाना है ना। ये देखो हमारी टेबल भी नीचे गिर गई और हमारा बास्केट भी नीचे गिरा हुआ है।